हेलो, कौन हो आप? सर, इस नंबर का कोई ऐसा पता नहीं चल रहा है, ट्रैकिंग पर डाला है। हेलो, पर सर मुझे तो ये प्रैंक कॉल या कोई होक्स लग रहा है। जल्द से जल्द उस टावर का पता लगाओ जहां से ये कॉल्स किए जा रहे हैं। हेलो, मैं एसपी आदिल खान बोल रहा हूँ। आप किसी मुसीबत में हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हेलो 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 उस सहमी आवाज ने मेरे अंदर एक शोर पैदा कर दिया था। यह मेरे करियर का एक ऐसा अजीब केस था जिसने मेरी नींदें उड़ा दी थी। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद, ये एक ऐसी लॉ है जो जिंदगी के दिए को रोशन करती है, लेकिन अगर इंसान दुखों से घिर जाए, तकलीफ थमने का नाम ना ले, तो बेबसी के उस आलम में अक्सर उम्मीद की लौ डगमगाने लगती है। आज का ये केस एक ऐसे मासूम की दास्तां है जिसका जिंदगी ने हर मोड़ पर कड़ा इम्तिहान लिया। हालात ने उसे ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसके पास ना तो जीने की आस थी और ना ही मरने का हौसला। बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में यह केस पुलिस के सामने आया था। वक्त था लॉकडाउन का और एक पेशेवर गिरोह अपनी साजिश को अंजाम देने निकल पड़ा था। पैसा किधर है? बोल नहीं तो ठोक दूंगा। चल जल्दी बता। अरे आप लोग उनको ज्यादा शान पट्टी नहीं, जहां पे खड़ा ना वहीं पे खड़ा रहे, वरना कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप तुम तेरी तो साले हाँ बहुत ज्यादा शाना बन रहा है तू, बहुत ज्यादा हीरोगिरी चढ़ रही तेरे को। अभी उठा ना तो मैंने मेरी गोली बोलेगी, समझा तू? ए, तू क्या उधर माता मान रहा है, इसको संभाल। चल अबे, तूने उसे गोली क्यों मार दी? अरे इसका नाम ना फट्टू होना मांगता था। और तू इधर रोकड़ा जल्दी बोल, मैं तो इधर ही ठोकूंगा। मैं बोलता हूं मुझे मारना मत। भगवान के गजेंद्र हाथी की कहानी सुनना चाहती है। कितनी बार सुनोगी वो कहानी, बोर नहीं हुई? एक बार गजेंद्र नाम का एक हाथी अपने दोस्तों के साथ तालाब किनारे पानी पी रहा था। तभी वहाँ एक मगरमच्छ आया और उसने गजेंद्र का पैर दबोच लिया। तभी अचानक सुरेंद्र, चुपचाप से मेरा आधा हिस्सा दे दे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। वो तो मैं पहले ही भूल चुका हूँ नरेंद्र। और तू किस जमीन की बात कर रहा है? वो जमीन प्रमिला के पिता ने दिया, मेरे ससुर ने। किस हक से ऐसा मांग रहा तू? देख, आगे से मेरी जमीन के बारे में सोचना ही मत। तो मैं वरना क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? मैं बता रहा तुझे, मैं क्या करूंगा? अरे छोड़िए, क्या कर रहे हैं? बड़े भाई आपके। अरे शुक्र मनाइए कि सिर्फ हाथ उठाया, वरना जान से मार देता। मैं यहाँ कर्जे में डूबा और तुम लोग ऐश कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तय कर लीजिए कि जान पैरी है या जायदाद। चल 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 चल, खड़ा क्या तेरा काम हो गया ना? चलना बैठना अंदर, चले जल्दी कर, जल्दी कर, चल चल चल। हेलो पुलिस, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाथों को कितनी देर धोना चाहिए और घर से बाहर निकलते वक्त क्या करना जरूरी है? वेरी गुड। अब हम आगे करेंगे पुशअप्स। 1 2 3
जी। हेलो, हाँ ठीक है, मुझे अपडेट करते रहना। हाँ ओके सर। सर चार लोग थे। कौन है? सर प्रसाद नाम है इसका, हिस्ट्री शीटर है, चोरी किडनैपिंग और हाफ मर्डर के कई केसेस हैं इसके खिलाफ। सबसे पहली बात यह है कि लुटेरे सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ क्यों लेकर जाए। चले जल्दी कर चल चल। और दूसरी बात, सिक्योरिटी गार्ड अगर गेट पे था तो उसने चार लोगों को एक साथ अंदर कैसे आने दिया, और अगर वो जबरदस्ती घुसे तो गार्ड ने रोका क्यों नहीं, उस वक्त हंगामा क्यों नहीं हुआ? सर ऑनेस्टली मुझे ये सब कुछ नहीं पता, शायद उसी वक्त वो वॉशरूम गया होगा। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ कि कैसे भी करके ये चोरों को पकड़ लो, मेरी नौकरी जाएगी। लूट कितने की हुई है? 22 करोड़ 30 लाख। इतनी अमाउंट ब्रांच में थी? हाँ सर, ये करंट कोविड सिचुएशन की वजह से कल ही सेंट्रल ब्रांच से 22 करोड़ ट्रांसफर हुए थे। तो ये बात आपके पूरे स्टाफ को मालूम होगी? हाँ। पॉसिबिलिटी आपके स्टाफ में से कुछ शामिल हो? नहीं सर, कोई नहीं, बिल्कुल। मुझे पूरे स्टाफ की डिटेल चाहिए, इवन के जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनकी भी। और सबसे पहले गार्ड भोला की डिटेल दीजिए। ओके सर। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्ता पर नाकाबंदी करो, टोल नाका पर अलर्ट करो, एक एक गाड़ी की तलाशी लो, बिना तलाशी के एक भी गाड़ी शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ओके सर। क्या हुआ, क्या बोल रहे थे नरेंद्र भाई साहब? क्या बोलेगा, धमकी देकर गया है, तेरे बाप की जमीन संभालना मुश्किल हो गया मेरे लिए अब। आप संभाल रहे हैं जमीन? दिन दिन भर मैं काम करती हूँ, पैसे कमा कर मैं लाती हूँ, आप करते क्या है सिवाय शराब पीकर तमाशा करने के? सारी कमाई आपके अय्याशी में तोड़ जाती। देख दो। नमस्ते भाभी जी। अरे आप किधर को चली, मैं तो आपसे मिलने आया, वो एक तगड़ी पार्टी हाथ लगी है, मैं जमीन दिखाया उसको, बहुत पसंद आया। एक बार आप हाँ बोल दो तो सौदा पक्का। आप पमला के हाई समझिए मोहन बाबू, आप पार्टी को बुला लीजिए। बबीता कविता अंदर चलो। मोहन जी आप जाइए यहाँ से, मैं मेरे पिता की जमीन नहीं बेचूंगी। भोला सिंह ने सिर्फ 3 महीने पहले इस बैंक में ज्वाइन किया था। जी हाँ सर, एक्चुअली जेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी के साथ हमारा टाइप है और भोला वहीं से आया था। एजेंसी से भोला के घर का एड्रेस लो और तुरंत वहाँ जाओ। सर जिस सफाई से इस लूट को अंजाम दिया गया है, लूटेरों ने कई बार यहाँ रैकी की होगी, सीसीटीवी फुटेज कहाँ मिलेगा? सर वो सीसीटीवी के डीवीआर भी लेके भाग गए सर। सर टोटल 14 लोगों का स्टाफ है हमारा, बाकी के लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आज 5 ही लोग हैं। सबके स्टेटमेंट लो, इवन के जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके भी, जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती कोई घर नहीं जाएगा। हाँ रंजीत। क्या भोला के घर पे तो ताला लगा हुआ है? पड़ोसियों ने बताया कि उसकी बीवी 1 हफ्ते पहले गांव चली गई। एजेंसी से उसके गांव का एड्रेस लो और उनसे कॉन्टेक्ट करो। ये भोला लुटेरों के साथ क्यों गया, कहीं उनके प्लान में शामिल तो नहीं था? और ये अगवा होना उनकी प्लानिंग का हिस्सा? लेकिन अगर ये उनके साथ मिला हुआ था तो इसने प्रसाद को गोली क्यों मारी? सर पेट्रोलिंग टीम ने खबर भेजी है, जो वैन रॉबरी में इस्तेमाल हुई थी वैसे ही वैन राधानगर में स्पॉट हुई है। ए भाई रुक 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 रुक, काम काम, गाड़ी जाओ। ए ए ए पकड़ ले, ए पकड़ ले, ए चल तू, चल 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 चल। जैन सर, सर वैसे एक वैन यहाँ पे आई थी, हमने रुकने की कोशिश की लेकिन वो यू टर्न मार के भाग गया। भाई कहीं हटवा सर, गाड़ी लो आगे। सब मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? मेरा बटुआ घर पर ले गया था सब, मुझे नहीं पता मेरा पीछा कर रहे हो। डालो इसको गाड़ी में, डालो सब। मेरा गाड़ी सर। माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? माँ माँ पुलिस का दावा है कि उन्होंने एक बैंक रॉबरी केस से जुड़े हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, उसका नाम नितेश बताया जा रहा है। हालांकि लूट की रकम अब तक बरामद नहीं की गई है और ना ही लूट में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है। पुलिस आ गई।
मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं राक्षस हूँ राक्षस, वो राक्षस जिसे भगवान भी डरता है। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। आपने जिस शख्स को गिरफ्तार किया, क्या उसने कुछ बताया? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हम डिटेल शेयर नहीं कर सकते। लेकिन कहा जा रहा है कि आपने इस केस को रफा दफा करने के लिए एक पुराने हिस्ट्री शीटर का यूज किया है। ये आरोप लग रहे हैं पुलिस पर कि इसमें कितनी सच्चाई है। उतनी इतनी के फेक न्यूज में होती। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? देखिए अभी आपने कॉल किया था। हेलो, मैं एसपी आदिल खान बोल रहा हूँ। आप किसी मुसीबत में हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हेलो, बच्चा कौन हुआ? ए आजा। अच्छा एक काम करो, आप पहले साइड में आओ, फिर बात करते हैं। मरना चाहते? बेटा वो बच्ची कहाँ है? ये लड़की मरने का क्या तेरे को? अभी अगर मैं नहीं बचाता तो गाड़ी के नीचे आ गई होती ना। अच्छा बोलो क्या परेशानी है? देखो मैं एक पुलिस वाला, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सर, सर जेनिथ सिक्योरिटीज के ओनर से बात की, कोविड की वजह से उनका ऑफिस बंद है। उन्होंने कहा है कि कल तक गार्ड बोला के गांव का एड्रेस भेजेंगे। बोला के कॉलेज कॉटन क्लब और बैंक के बाकी इंप्लॉयज के भी और मैनेजर लास्ट के भी। लेकिन सर नितेश का इस तरह से पकड़े जाना, ना तो उसका कोई साथी मिला है और ना ही पैसे मिले, बात को समझ में नहीं आ रही। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया जो बात उछाल रहा है वही सच है? हेलो, लड़की कौन है? बार बार कॉल कर रही है लेकिन बात नहीं कर रहे। राजी, जिस नंबर से भी कॉल आया इसकी लोकेशन पता करो। ओके सर। रंजीत, नितेश का इस तरह पकड़े जाना मैं इज इतफाक नहीं हो सकता। जिस सफाई से रॉबरी हुई है, सिक्योरिटी गार्ड भोला का किडनैप होना और इतनी जल्दी पैसे शिफ्ट होना, प्लानिंग तगड़ी की गई और इस प्लानिंग की पोल अब नितेश ही खोलेगा। साहब मैं कसम से बोल रहा हूँ साहब, मेरे ये बैंक की चोरी हो रही से कोई लेने देना नहीं है। मैं तो सारे गलत धंधे छोड़ चुका हूँ और जब से कोरोना शुरू हुआ है मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। तो वैन तेरे पास कहाँ से आई? वो मेरी अपनी गाड़ी है साहब, अभी सेम कलर की सेम मॉडल की हजारों कारें हो सकती है। ऐसे नहीं मानेगा, गोली खा के ही मानेगा। साहब आपको यकीन नहीं हो रहा साहब, तो वो बैंक का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए ना साहब, मैंने कुछ नहीं किया है सच में। ये नितेश पुराना चावल है, इसकी बातों का भरोसा नहीं कर सकते। ये सीसीटीवी फुटेज की बात इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं क्योंकि जानता है फुटेज अवेलेबल ही नहीं है। सर कम, सर जिस नंबर की आपने डिटेल्स निकालने के लिए कहा था वो नंबर पहले कुंदन नगर में एक्टिव था, लेकिन सर वो अभी दोबारा जीवन नगर में एक्टिव हुआ है। तो मतलब लड़की किसी व्हीकल से ट्रेवल कर रही है। काट क्यों रही? सर हो सकता है कोई प्रैंक कॉल हो। रंजीत, इस लड़की ने मेरे सामने सुसाइड करने की कोशिश की और मैंने इसका चेहरा देखा, इसकी आंखों में जो खौफ है, जो डर है, या तो ये लड़की बोल नहीं सकती या फिर शायद बहुत डरी हुई। आदिल खान का इंट्यूशन कह रहा था कि बबीता को उनकी जरूरत थी, वो बबीता की आंखों की बेबसी समझ रहे थे। आदिल खान को एक वक्त पर दो मोर्चे संभालने थे और बैंक रॉबरी केस में अब तक पुलिस को कोई लीड नहीं मिल पाई थी। लॉकडाउन का समय वैसे भी बहुत मुश्किल रहा था और ऐसे हालात में इतनी बड़ी रॉबरी की खबर लोगों के दिलों में दहशत फैला सकती थी। ये लड़की आदिल खान को आखिर क्या बताना चाहती थी? क्या वो बैंक रॉबरी के बारे में कुछ जानती थी या फिर बात कुछ और थी? सर
सब बैंक कैशियर प्रमोद चौधरी के बारे में पता किया। अगले साल रिटायर होने वाले थे, उनकी पूरी फैमिली गुजरात में रहती है, बॉडी लेने के लिए कल तक आ जाएंगे। बैंक के बाकी एम्प्लॉयज सबके रिकॉर्ड्स क्लीन है सर, शक वाली कोई बार नजर नहीं आ रही है, सबके फोन रिकॉर्ड्स भी क्लीन है। हो सकता है कोई और नंबर इस्तेमाल हुआ, नम डाटा निकलो। सर सर, जब हम नितेश की वैन का पीछा कर रहे थे तब उस एरिया में एक पिकअप ट्रक देखा गया था। नितेश लूट के 40 मिनट बाद पकड़ा गया, इतना वक्त काफी है पैसा ट्रांसफर करने के लिए। रंजीत इस ट्रक की डिटेल निकलो। राइट सर। सर कहाँ? सर उस लड़की का नंबर तो बंद आ रहा है, लेकिन सर उसकी लास्ट लोकेशन जीवन नगर की थी। नाम पता चला? नहीं सर, नाम तो नहीं पता चला, लेकिन सर ये नंबर किसी रवि कश्यप के नाम से है और सर एड्रेस बेगूसराय बिहार का है। सर एक और बात, ये नंबर कल ही एक्टिवेट हुआ है और इससे आपके अलावा और किसी को कॉल भी नहीं किया गया। सिर्फ मुझसे बात करने के लिए सिम खरीदा गया। तू मेरी आवाज है, तू ना होती तो मेरा क्या होता, तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी ना। दीदी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चा आपका नाम क्या है? अच्छा ये बताओ कहां जा रहे हो? देखो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप हम पे भरोसा कर सकते हो, इसलिए तो मैंने फोन किया। बोलो नाम क्या है? अच्छा ये बताओ आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? ओके ओके, रोमा रोमा। जिस लोकेशन पे ये नंबर अभी एक्टिव था और कुंदनगर, दोनों पर ये फोटो दिखाओ, शायद कोई इसे पहचान ले। शायद ये लड़की बोल नहीं सकती, इसलिए इससे कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। अरेंज इट। सर सर साहब 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 साहब, एक मिनट मैम एक मिनट, पहले मास्क पहनिए। साहब मेरी भतीजी सुबह से गायब है, ये देखिए उसका फोटो, बबीता नाम है इसका, बोल नहीं सकती सर ये। क्या हुआ मैडम, अभी बस स्टॉप नहीं पहुंचे हैं? 200 रुपए दे दो। चेक करो। हाँ सर। आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज खंगाल, हो सकता है पैसे वहां से किसी और गाड़ी में ट्रांसफर किए गए। रंजीत मेक श्योर ये लोग शहर से बाहर नहीं जाने चाहिए। ओके सर। सर उस लड़की का नंबर दोबारा ऑन हुआ है। संजना जी हैं, साइन लैंग्वेज अच्छी तरह जानती हैं। वेलकम संजना जी, एंड थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आने के लिए। संजना जी एक्चुअली ये बच्ची है, ये मुझे कॉल कर रही है, लेकिन ये क्या कह रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब या तो ये बहुत डरी हुई है या आई डाउट कि शायद ये बोल नहीं सकती। ओके तो आई होप कि इससे कम्युनिकेट करने में आप हमारी कुछ मदद कर सकें। श्योर सर, आई विल ट्राई। मैं वीडियो कॉल ट्राई करता हूँ। बच्चा अच्छा वो आपने कॉल उठा लिया, ये देखो
मेरे साथ कौन है? देखो ये संजना दीदी है, आप इनसे बात करो, ये आपकी मदद करेंगे। हाँ बेटा बताओ। सर शायद ये बच्ची साइन लैंग्वेज नहीं जानती है, इसको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। सर प्लीज कैन आई रिमूव माय मास्क, मुझे इसको कम्युनिकेट करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। थैंक यू सर। हाँ बेटा बताइए। अच्छा ये बताइए कि आप परेशान क्यों हैं? आपको पता है ये सर बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। अच्छा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? जला दिया? कब हुआ ये? 3 दिन पहले? 3 हफ्ते पहले? 3 महीने पहले? 3 साल पहले? 3 साल पहले अगर इस बच्ची की मां का कत्ल हुआ था तो ये अभी बताने की कोशिश क्यों कर रही है? सर वो 16 साल की एक लड़की की मिसिंग अपने फाइल हुई है। सर उसका नाम बबीता है और वो बोल सुन नहीं सकती, और उसका डिस्क्रिप्शन उस लड़की से मैच होता है जिसका आपको कॉल आया था। हो ना हो ये बच्ची वही बबीता है। मिसिंग कंप्लेंट किसने फाइल की? प्रेम जी मिशिंदे, बबीता की मौसी है सर। तुरंत यहाँ बोलो सर। अनन्या सर इस कॉल की लास्ट लोकेशन पता करो, और जहाँ से कॉल आई है ये ध्यान से देखो, बच्ची जहाँ से बात कर रही है पीछे स्वैग प्लस साइकिल का होर्डिंग लगा हुआ, और इम्पोर्टेंट उसके पीछे ये सेल टावर है, तो उस एरिया में जहाँ भी ये बोर्ड लगा हुआ है सेल टावर है वहाँ पर्टिकुलर इसके बारे में पता करो, शायद कोई इस बच्ची को पहचानता है। सब बबीता अपने बाबा के साथ रहती थी, मैं कई दिनों से उससे मिलना चाहती थी लेकिन उसके बाबा फोन ही नहीं उठा रहे थे। आज जब घर जाके देखा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। तो सिर्फ ताला लगा देखकर आपने ये अंदाजा कैसे लगा लिया कि बबीता किसी मुसीबत में होगी? साहब वो रिमझिम, अगर आप सच में चाहती हैं कि हम बबीता की मदद करें तो कुछ मत छुपाइए। बबीता ने हमें बताया कि उसकी माँ यानी कि आपकी बहन का कत्ल हुआ, आप क्या जानती हैं इस बारे में? साहब बबीता का बाबा तो एक नंबर का बेवड़ा था, मेरी बहन मर गई और उसने मुझे बताया तक नहीं, चुपचाप जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जिससे वो पुलिस के पछड़े से बच सके। वो तो बबीता की जिद थी इसलिए मैं उसे पुलिस स्टेशन ले गई शिकायत लिखवाने के लिए। साहब ये मेरी भांजी है बबीता, इसका कहना है कि इसकी आई की हत्या हुई है, ये बोल नहीं सकती इसलिए इसकी कोई बात नहीं मान रहा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। साहब दक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम जैसे गरीब लोग क्या कर सकते हैं? ये देख पूरा वीडियो बना हुआ है समझी, अगर आवाज निकाली ना तो देखना, और वैसे भी ये तो कुछ बोल भी नहीं पाएगी लेकिन अगर तूने मुंह खोला ना तो इससे धंधा करवाने के इल्जाम में तुझे अंदर कर दूंगा। उस दिन से ऐसा ही राकेश बबीता के साथ। जैसे हमें बबीता मिलती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप जा सकते हैं। अब वो सारे स्पॉट मार करो, अपडेट देते रहो। ओके सर, यहाँ की सीसीटीवी फुटेज है। एक काम करो इस एमयूवी की डिटेल्स निकलवाओ, वो सारे स्पॉट मार करो जहाँ जहाँ ये आज दिखाई दे रही है। जी सर। जाओ। यस सर। हाँ रंजीत क्या अपडेट है? सर 3 सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं जिसमें वो पिकअप ट्रक ट्रेवल करते हुए कैप्चर हुआ है, लेकिन एक गौर करने वाली बात ये है कि तीनों सीसीटीवी फुटेजेस में उस पिकअप ट्रक के पीछे एक सिल्वर एमयूवी दिख रही है। आई थिंक सर ये दोनों गाड़ी इस केस से कनेक्टेड है, इस एमयूवी का पता लगाओ एंड कीप मी अपडेटेड। ओके सर। जी संजना जी, उस मासूम ने इस छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहा, उसे हमारी मदद की सख्त जरूरत है। कॉल करता हूँ सर। जी सर।
बबीता। बेटा हमें सब पता चल गया, आपने इस छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहा है बेटा। आपकी मौसी रिमझिम वो आई थी यहाँ पर, उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया, ऐसे ही राकेश ने आपके साथ क्या किया वो सब कुछ। डरो मत, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही राकेश को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, ये वादा है मेरा, और हम आपकी आई के कातिलों को भी ढूंढेंगे। बहुत सारे लोग थे। क्या मतलब अच्छा? मैं सब इंस्पेक्टर राकेश को सजा दिलवाना चाहती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आरएस रेड्डी, आईएएस ऑफिसर आरएस रेड्डी। सर रेड्डी तो काफी नामी शख्स है। सॉरी बच्चा, सॉरी। आपको इतना कुछ सर, वो बिल्डिंग लोकेट हो गई है जहां से बबीता हमें कॉल कर रही थी। सर आरएनएस कॉलोनी में उसका नंबर एक्टिवेट है अभी। चलो बबीता के कॉल्स के पीछे की मंशा अब भी पुलिस के लिए साफ नहीं हो रही थी और इंस्पेक्टर राकेश का भी कोई अता पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की दूसरी टीम उस गाड़ी का पता लगाने की कोशिश में थी जिसका इस्तेमाल बैंक रॉबरी में हुआ था, और तभी पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची जहां से बबीता ने आखिरी बार कॉल किया। सब जगह चेक करो। टूटा हुआ फोन मिला है, हो सकता है बबीता का हो। शादी मासूम बच्ची इतनी बार धोखा खा चुकी है कि उसका हमारे सिस्टम से भरोसा ही उठ गया होगा, और हमें इसका भरोसा जीतना है और किसी भी सूरत में इस बच्ची को ढूंढना है। सर हमें बबीता के फादर सुरेंद्र से मिलना चाहिए, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। ठीक, तुम सुरेंद्र से मिलो, मैं जरा इस रेड्डी से मिलता हूँ। सुरेंद्र का मर्डर हो गया? जी हाँ सर, सुरेंद्र को उसके घर में चाकू घोप के मारा गया है। हो सकता है ऐसा ही राकेश अपने खिलाफ सबूत मिटाना चाहता और उसने सुरेंद्र को मारा। ऐसा ही राकेश के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करो। इंस्पेक्टर राकेश का गायब होना, सुरेंद्र का मारा जाना इस केस को उलझा रहा था। पुलिस एक ऐसे सुराग के लिए डेस्परेट थी जो इस केस को एक सही दिशा दे सके। अपनी औकात में रहे एसपी, सिर्फ एक फोन घुमाऊंगा, ये जितनी अकड़ है ना तेरी सारी की सारी धरी रह जाएगी। पड़ा मिलेगा किसी गांव खेड़े में, फिर आराम से लिखना भैंसे चोरी होने की शिकायत। करो फोन। करिए फोन। मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी ये तो नहीं पता, लेकिन इसके बाद आपकी पोस्टिंग सीधे जेल में होगी, ये मेरा वादा है। बबीता की खामोशी अब वो शोर मचाएगी कि आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। अरंजीत सर, उस गाड़ी का पता चल गया है, वो यहाँ घर के बाहर स्पॉट हुई है, और सर यहाँ पे एक आदमी भी दिख रहा है, मैं उसका फोटो सेंड कर रहा हूँ आपको। ठीक है। संजीत, इसका नाम कैलाश है, बहुत बड़ा कबूतरबाज है, ट्रैफिकिंग करता है, लेकिन ये राजस्थान में एक्टिव था, महाराष्ट्र में क्या कर रहा है, और इसका बैंक रॉबरी से क्या कनेक्शन है? संजीत नजर रखो इस पे। लेकिन दूर से, जोश में कुछ भी उल्टा पुल्टा मत करना, मैं बैकअप भेज रहा हूँ। नजर रखो। मुझे बैकअप टीम की अर्जेंट जरूरत है सर, जैसे ही फ्री होते हैं प्लीज मेरी बात कराइए। थैंक यू। हाँ नहीं।
सर सुरेंद्र को आज दोपहर एक नंबर से कॉल आया था, वो नंबर 3 दिन पहले ही एक्टिवेट हुआ है। और सर चौंकाने वाली बात यह है कि बबीता की मौसी रिमझिम, उसे भी इस नंबर से कॉल आया था। किसका नंबर है? सर अभी तक पता नहीं चला है। बबीता के गायब होने के बाद दोनों को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। रिमझिम की कॉल डिटेल्स भी निकलो। सर एक बात और, ऐसा ही राकेश के लैंडलाइन नंबर पर भी इसी नंबर से कॉल किया गया था। कौन हो सकता है? आई नो सर, लॉकडाउन की वजह से ऑफिसर की शॉर्टेज है, पर सर ये कैलाश, सर कैलाश बहुत बड़ा क्रिमिनल है, राजस्थान का वांटेड है। और सर जिस गाड़ी में पैसे ट्रांसफर हुए थे, पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो इस कैलाश के पोजेशन में है। सर कोई हमें गुमराह कर रहा है, बबीता के टूटे हुए फोन से हमने ये वीडियो रिकवर किया है। ए बबीता देख इधर, अगर जल्दी से वापस नहीं आई ना तो इसका भी वही हाल कर दूंगी जो तेरा किया है मैंने। बबीता की कोई बहन भी है? लेकिन उसकी मौसी रंजीम ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। सारी तैयारी हो गई है, चिड़िया को कल ही पार्सल करना। राकेश की लाश मिली है। मतलब इन दोनों को किसी तीसरे ने मारा? इस खेल में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें शामिल हैं, जो नहीं चाहती कि उनका नाम सामने आए, इसलिए एक एक करके राजदानों को खत्म किया जा रहा है। पता नहीं उनका अगला शिकार कौन होगा। हमें जल्दी बबीता और उसकी बहन का पता लगाना होगा, कहीं वो भी किसी मुसीबत में ना हो। ठीक है अरंजीत, मैं आऊं सर। कैलाश अभी अंदर ही है सर। कितने लोग होंगे उसके साथ? 11 आदमी स्पॉट हुआ है सर अभी तक। सॉरी ज्यादा बैकअप नहीं भेज पाए। नो प्रॉब्लम सर। बहन, लेकिन सर इस पे नाम तो बेनजीर लिखा है। पासपोर्ट जब्त करो सर। ये कबूतरबाज लंबी उड़ान भरने की तैयारी में है। सर बबीता की बहन का नकली पासपोर्ट कैलाश के पास मिला है, तो क्या बबीता इस रॉबरी के बारे में जानती होगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों केसेस इंटरकनेक्टेड हैं। नितेश के पकड़े जाने के बाद मुझे बबीता का कॉल आया था। हेलो, शायद बबीता इस रॉबरी के बारे में कुछ जानती हो, सकता है उसकी बहन ने कुछ बताया उसे। सर मौसी रिमझिम को ढूंढना शुरू करते हैं, अगर वो मिल गई तो बबीता की बहन का भी पता चल जाएगा। करेक्ट, मुझे डर है कि बबीता तक पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए, जो भी करना है जल्दी करना होगा। सर अरे बोलो। हाँ साहब, सब मेरा ही प्लान था, बैंक लूटने का प्लान मेरा ही था साहब। साहब मेरे को दुबई सेट होने का था, लेकिन मेरे ऊपर 6 करोड़ का कर्जा था साहब बाकी गैंग वालों का, इसलिए मैंने बैंक लूटने का प्लान बनाया। तेरे इस प्लान में और कौन कौन शामिल था? साहब वो हेड कैशियर प्रमोद चौधरी। मैं तुम्हें बैंक की सारी डिटेल्स दे रहा हूँ, लेकिन मुझे सबसे बड़ा हिस्सा चाहिए। उसे क्यों मारा? बहुत मुंह खोल रहा था साहब, बोलता था कि मैं बैंक की सारी डिटेल्स दूंगा तो मुझे हिस्सा बड़ा चाहिए। अब मैंने तभी प्लान बना लिया था कि लूट के दौरान इसका गेम बजा डालूंगा, झंझट ही खत्म कर दिया साला, और हिस्सा भी बच गया। गार्ड भोला सिंह वो भी शामिल था? नहीं साहब, वो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, उसको तो ये नए लड़के नितेश और ललित ने उठाया था साहब। नितेश भी शामिल था? नितेश शामिल था मेरे प्लान में, क्या है ना साहब उसको लंग कैंसर है, तो उसने सोचा कि जाते जाते फैमिली की सेफ्टी के लिए थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेगा, इसलिए उसको प्लान में शामिल किया। साहब वो ऐसा ही राकेश का सपोर्ट था ना उसको। ऐसा ही राकेश भी शामिल था? हाँ साहब, साहब उसका भी प्लान था देश छोड़ के भागने का,
लेकिन जैसे ही पता चला कि आप लोग उसके पीछे हो तो। पर तू ये भूल गया, कोई भी मुजरिम कितना भी उड़ ले, कितनी भी दूर भाग ले, रेस का आखिरी स्टॉप यही होता है, जेल की कोठरी। दुबई जाना था ना, तुझे भिजवाएंगे दुबई, तेरा वीजा हम लगवाएंगे। पहले ये बता, बबीता की बहन कहाँ है? हेलो, क्या बबीता उसी बिल्डिंग में? संजना जी को तुरंत बुला। सर। बबीता को मैंने ही धमकी दी थी जिससे कि वो लौट आए और किसी से कुछ ना कहे। सुरेंद्र को किसने मारा? सर, राकेश ने। और ये कैलाश, उसके साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? सर, कैलाश से तो मुझे राकेश ने मिलवाया था, वो एक बच्ची ढूंढ रहा था, तो जब राकेश ने कैलाश को कविता के बारे में बताया तो उसने दुबई में उसका सौदा कर दिया, जिसके मुझे 20 लाख रुपए मिलने वाले थे। सर, पड़ोसियों ने फोन किया था, बच्ची के बारे में बताया। हमें बच्ची को बचाना है, नेट, गद्दे, बच्ची की सेफ्टी के लिए जो रिकॉर्ड अरेंज करो। संजना जी, अब मेरे साथ आई। बबीता, बच्चा नीचे आ जा। देखो, ऐसा ही राकेश मारा गया। बहुत सारे लोग थे, आप किस किस को सजा दिलवाएंगे? हर गुनहगार को उसके गुनाह की सजा मिलेगी। मुझे आप पे यकीन नहीं है। देखो बेटा, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो उन दरिंदों की हिम्मत और बढ़ जाएगी, और वो बाकी बच्चियों के साथ भी वही करेंगे जो उन्होंने आपके साथ किए। फिर आपकी जगह कोई और लड़की खड़ी होगी सुसाइड करने के लिए। क्या आप चाहती हो? अपनी छोटी बहन कविता के बारे में सोचो, उसका क्या होगा? आपको आपकी बहन की कसम, नीचे आ जाओ प्लीज। आई कहती थी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने किसी ना किसी रूप में आते हैं। नितेश ऐसा ही राकेश के लिए काम करता था। अरे लड़की, अभी तक आदत नहीं पड़ी ना तुझे? हाँ, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं राक्षस हूँ, राक्षस, वो राक्षस जिसे भगवान भी डरता है, समझी? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। आपने जब नितेश को पकड़ा तो मुझे लगा कि आप मेरे भगवान हो जो मेरी मदद करने के लिए आए हैं। आप मेरी बहन को बचा लीजिए बस। कविता, हमें मिल गई बच्चा, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो यहाँ पहुंचने वाली है। बेटा, भी फोन आया था, वो ठीक है। सबने मुझसे झूठ बोला, मुझे किसी पर यकीन नहीं है, मैं हार चुकी हूँ। मैं जब भी घर से भागने की कोशिश करती तो मौसी मुझे कविता को बेच देने की धमकी देती। मेरा 2 बार अबॉर्शन भी हुआ है, मैंने एक बच्चे को जना भी है। लेकिन आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि कविता घर में नहीं थी। मैं समझ गई कि मैं जिंदगी भर उसको बचा नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं खुदकुशी करके जिंदगी के इस दर्द से आजाद होना चाहती थी। आप प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए बस। यकीन दिलाता हूँ, उसे कुछ नहीं होगा। और आपकी आई ने कहा था ना कि हर राक्षस का एक दिन। मेरी आई की मदद किसने की? मेरी आई को तो खुद मेरे बाबा ने मारा। एक बार बाबा अपने घर अपने दोस्त मोहन चाचा को लेकर के आए। बेटा, तुम्हारी बहन को हमने बचा ली है, कविता बिल्कुल ठीक ठाक है, वो यहाँ पहुंची ही होगी। सर, हमने रिमझिम को पकड़ लिया और कविता सही सलामत है। और देखो, तुम्हारी माँ सही कहती थी कि राक्षस कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसको उसके किए की सजा मिलती है। और तुम्हारे साथ जितने भी गलत किया उसको सजा मिल गई। बेटा, अब नीचे आ जाओ। देखो,
अब तुम्हारा और तुम्हारी बहन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। भरोसा करो बेटा, मैं भगवान तो नहीं हूँ पर इतना भरोसा दिलाता हूँ, अब जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आ जाओ बेटा, एक नई जिंदगी शुरू करो। आ जाओ, कम आ, मेरा हाथ पकड़ो। आ जाओ बच्चा, आ जाओ, आ जाओ बच्चा, आ जाओ, भरोसा करो। बबीता के बयान के आधार पर पुलिस ने कुल 21 लोगों को हिरासत में लिया और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 3 आईएएस ऑफिसर्स थे और 2 डॉक्टर्स। छोटी सी उम्र में बबीता ने इंसानियत का बेहद घिनौना रूप देखा था। उसके मन पर इस बात का गहरा असर हुआ था। अपने इस दर्दनाक अतीत से उबरने के लिए फिलहाल बबीता को काउंसलिंग दी जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने इस भयानक अतीत को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी को एक नई राह दे पाएगी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। स्नेह को गए आज पूरे 5 दिन हो गए हैं। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। बच्चा नहीं है वो, क्या भी होगा अपना ख्याल रख सकता है। माँ मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। प्रीति बेटा बेटा होता है, लड़का जो कर सकता है ना लड़कियां नहीं कर सकती। क्या तुम जैसा बेटा वो थी वैसा बेटा मैं भी तो बन सकती हूँ ना। थी नहीं था, वो तुम्हारी बहन नहीं तुम्हारा भाई है। चले है बेटा बन रहे, दाल में कितना नमक डालना वो तो आता नहीं है, और चले है बेटा बन रहे। क्या हुआ तुम्हारी नौकरी का, हाँ नहीं मिली ना, नहीं मिली ना अभी तक। मुझे 24 घंटे कोसने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आप खुद हो और उसकी भी। बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी, जो चीज आपने की है ना उसके साथ आपको यहाँ नहीं जेल में होनी चाहिए। प्रीति मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि वो इस नरक में कभी वापस ना आए, कभी वापस ना आए। प्रीति हेलो रोहित सर, कचरे में जो हमें बॉडी मिली थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो एक लड़की की है और मर्डर से पहले कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप भी नहीं हुआ। लेकिन सर रिपोर्ट में एक नई बात सामने आई है, यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या उसके साथ इस हद तक की दरिंदगी की गई? जी सर, और डॉक्टर के मुताबिक ये सब उसके साथ तब हुआ होगा जब उसकी उम्र 7-8 साल की रही होगी। सर शायद ये मर्डर का कारण ना हो, पर इतना पक्का है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ होगा। क्या शायद यही मर्डर का कारण हो, कहीं कोई मिसिंग कंप्लेन? नहीं सर, कपड़ों से भी पता करने की कोशिश की पर कोई बारकोड नहीं मिला, लोकल ब्रांड है, पता करना मुश्किल है। इसके पास फोन जरूर होगा, इसका फोटो सारी फोन कंपनीज में भेजो और डिटेल पता करो। जी सर। अंगद तेरे लिए ऑमलेट बनाऊं या हाफ फ्राई? पापा आपको पता तो है मुझे हाफ फ्राई नहीं पसंद। पता है, लेकिन तुझे चिढ़ाने में ना मुझे बड़ा मजा आता। शक्ल देख अपनी। अच्छा पापा वो स्कूल वाले ना हमको ट्रिप पे लेके जा रहे महाबलेश्वर। अच्छा तो थोड़े पैसे मिलेंगे? बेटा जिस हिसाब से तेरे स्कूल वाले छुट्टियां देते हैं ना, उल्टा उन्हें मुझे पैसे देने चाहिए। मतलब आप पैसे नहीं देंगे? ठीक है फिर नहीं जाता। अरे यार 2 मिनट में मुंह फुला लेता, मजाक कर रहा था। अलमारी में रखे पैसे, जितने चाहिए ले ले। लेकिन कब जा रहे हो तुम लोग? कल सुबह। सर सर आपका फोन कंपनी वाला आइडिया सक्सेसफुल रहा, लड़की का नाम स्नेह यादव था, मुलुंड एरिया का है। ये देखिए सिम कार्ड की कॉपी। स्नेह यादव मुलुंड, देखते हैं हमारे कितने सवालों के जवाब हमें यहाँ मिलते हैं। परसों शाम तक आ जाऊंगा। हाँ सुनो, एक तो अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करते रहना। ठीक है, बाय बाय। बाय। क्या हुआ साहब? आप स्नेह के माता पिता हैं? जी, पर ये क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? स्नेह का किसी ने मर्डर कर दिया है।
कहा जा रहा, कितना कहा था मेरा बेटा, मेरा स्नेह मुसीबत में, आप जाइए पुलिस को बताइए। देखिए हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। स्नेह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो लड़का नहीं लड़की थी, और लड़की ही पैदा हुई थी, जबकि आप तो उसे बेटी नहीं बेटा कह रही हैं। क्योंकि सब हमारे लिए वो बेटा ही थी, हमारे गुरुजी की इच्छा थी कि हम उसे बेटी नहीं बेटा माने और एक बेटे की तरह ही पाल पोस कर बड़ा कर। आज मैं दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी और सब्जी भी। तुम्हें सब्जी पसंद है ना, आज मैं तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाऊंगी। और आपके गुरुजी की ऐसी इच्छा क्यों थी? क्योंकि वो स्नेह का भला चाहते थे। उन्होंने हमें बताया कि स्नेह उसके पिछले जन्म में लड़का था और अकस्मात मृत्यु की वजह से वो उस जन्म के काम पूरे नहीं कर पाया था ना, इसलिए इस जन्म में उसे लड़का बनकर ही वो सारे काम पूरे करने होंगे। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसी तरह से हमें भविष्य में संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति होगी। तो फिर हुई पुत्र प्राप्ति? नहीं, उसके बाद उसकी बहन प्रीति पैदा हुई। प्रीति कहाँ इस वक्त? वो अपनी सहेली के यहाँ गई है। स्नेह की बॉडी जब हमें मिली तब उसके माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था, जबकि आप तो उसे अपना बेटा कह रही। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं साहब, ऐसा मत कहिए, अनर्थ हो जाएगा। देखिए ना ये क्या हो रहा है, सब ये क्या बोल रहे हैं? यही क्या, माँ बाप नहीं हैवान। अरे जिसे भगवान ने लड़की बनाया उसे जबरदस्ती लड़का बना रहे थे तुम। कितने साल की थी जब उसका ऑपरेशन करवाया? तुम लोग जिसे जबरदस्ती बेटा बनाने की कोशिश कर रहे थे उसने बिना बताए शादी कर, इसलिए उसका मर्डर कर दिया है ना? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सकता, मैं मर्डर करूंगा? स्नेह कुछ काम करती थी, कोई नौकरी वगैरह? हाँ सर, वो स्पीड अप कुरियर कंपनी में काम करता था। ये था करना बंद करो, समझे? आखिरी बार कब दिखी थी वो? 5 दिन पहले। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे स्नेह, लड़का होकर लड़कियों की तरह रो रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दोस्तों के साथ थोड़ी अनबन हो गई थी। अगले दिन सुबह वो मुझे बोलकर निकली कि वो 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही है। पर साहब, आपको पक्का यकीन है कि उसने शादी कर ली थी? पक्का तो नहीं, पर मंगलसूत्र और सिंदूर देखकर तो यही लगता है। प्रीति वापस आ जाए तो उसे पुलिस स्टेशन भेज देना क्वेश्चनिंग के लिए, और हाँ जरूरत पड़ी तो हम फिर से आएंगे। स्नेह जाधव पिछले 1 साल से हमारे यहाँ पर नौकरी कर रहा है, बहुत ही मेहनती और ईमानदारी लड़का है, पर पता नहीं पिछले 5 दिनों से कहाँ गया है, वे ऑफिस ही नहीं आ रहा है। सबसे पहले स्नेह लड़का नहीं लड़की है, और उसका मर्डर हो चुका है, और उसकी लाश नवी मुंबई से मिली। क्या आप मुझे बता सकते कि वो नवी मुंबई क्यों गई थी? वहां की कोई डिलीवरी थी? मैं चेक करके बता दूं। नहीं सर, नवी मुंबई की कोई डिलीवरी नहीं है। तो उसका किसी के साथ कोई झगड़ा या ऑफिस में किसी के साथ कोई अनबन? जहाँ तक मेरी जानकारी ऐसा कुछ नहीं था सर। हाँ पर हमारे ऑफिस में 2 डिलीवरी बॉय थे, रोहित कदम और सोनू कदम, दोनों कजिन्स हैं, उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती थी स्नेह की, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। बुलाई उन्हें? नहीं सर, अभी वो यहाँ पर नहीं है, मैंने 2 हफ्ते पहले ही दोनों को ही नौकरी से निकाल दिया था। ये दोनों पार्सल तुमने डिलीवर किए थे ना, उसमें फोन थे जिसके बदले कस्टमर को बर्तन साफ करने की साबुन मिली। अरे दांत क्या दिखा रहे हो, फोन कहाँ है बताओ? सर थोड़ा तमीज में, या दिन रात इसलिए मेहनत नहीं करते कि आप हम पे चोरी का इल्जाम लगाओगे? कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ये कंपनी का झोल है। कंपनी का झोल है? हाँ कंपनी का झोल है। पहले 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय मेरी कंपनी पे उंगली उठाएगा, मुझे तमीज सिखाएगा, साले मेरे घेरे में हाथ डालेगा तू? सर रोहित ने कुछ नहीं किया है सर। दोनों के दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, निकलो। मैं चल, तू क्या निकलेगा, तेरी कंपनी को लात मारता हूँ, भाग। चल चल चल। उसके 2 दिन बाद तक तो उसने ऑफिस आता रहा, और फिर वो भी गायब हो गया।
फिर उसके दो दिन बाद सोनू मुझसे मिलने आया और वो बोला कि सर फोन बदलने का आइडिया मेरा नहीं था, रोहित का था। आप चाहो तो उसे पुलिस में दे दो, मैं सच बोलने के लिए तैयार हूँ सर, लेकिन मुझे वापस नौकरी पर रख लीजिए सर। सर ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर ये नौकरी मुझे नहीं मिली तो सर मैं भूखों मर जाऊँगा सर। एक बात बताओ, तो अपने भाई के खिलाफ गवाही देगा? हाँ सर दूंगा सर, जो गलत है वो गलत है। तो मतलब सोनू अब भी यही काम करता है? बुलाइए उसे। सर वो अभी डिलीवरी करने के लिए गया है। ठीक है, वो वापस आ जाए तो उसे पुलिस स्टेशन भेज दें। यस सर। एक रूम चाहिए था सर। आपकी फैमिली कहाँ है? फैमिली तो साथ नहीं है सर। आपकी उम्र 18 साल से कम है और 18 साल से तो देखिए ना मैडम, देखिए चलता है आजकल ये सब है ना, और सिर्फ दो ही दिन की तो बात है। हेलो। हाँ पापा मैं ठीक हूँ, पहुंच गया। हाँ हाँ बहुत मजा आ रहा है, हम सब दो साथ में ही है। हाँ खाना खा लूंगा पापा। हाँ ओके ओके बाय। ये रोहित अपना फोन क्यों बंद करके बैठा है? सर मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता सर कि मेरे किसी जाने वाले का मर्डर हो सकता है। अच्छा ये बात है, तो अब पता चल गया ना कि मर्डर हो सकता है। चल बता, अगर तूने मर्डर नहीं किया तो कौन कर सकता है? सर रोहित। सर रोहित कर सकता है। रोहित तेरा चचेरा भाई। सर एक बात बता, तू बचपन से ही सारे इल्जाम उस पर डालते आया है या नया शुरू किया है? तूने कुरियर कंपनी की नौकरी भी ऐसे ही वापस ली ना? नहीं सर, सर मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मर्डर कर सकता है ये इल्जाम ही हुआ। वजह बता, वो स्नेह का मर्डर क्यों करेगा? चल 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 बोल। सर नौकरी से निकाले जाने के बाद मैं और रोहित बहुत दुखी थे, तब स्नेह हमारा मूड ठीक करने के लिए हमें चाइनीज बाखड़ा ले गया। क्यों टेंशन ले रहा है? अरे चली गई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। अभी तेरा भाई लेके आना तुम्हें मस्त जगह। चॉपर राइस ऑर्डर करूँ? नहीं खाना है चॉपर राइस तेरा। सारा तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई, तुझे पता है ना पूरे घर में कमाने वाला सिर्फ मैं हूँ। सारा तेरे चक्कर में मैं भी फंस गया। सोच अगर उसने पुलिस बुला ली होती तो। रो मत यार, बोला ना जरूरत थी पैसों की, और अगर उसे पुलिस बुलानी होती ना तो कब की बुला चुका होता। टेंशन मत ले, इससे बढ़िया नौकरी लेके दूंगा तेरे को। अरे यार मैं मैनेजर से बात करूंगा ना, वो तुमको फिर से बुला लेगा, और तुम्हारे बिना तो मैं वहां काम करने का सोच भी नहीं सकता। मतलब तुम दोनों के बिना? अरे यार मैं वहां काम करने जाऊं और तुम दोनों को वहां पे ना देखूं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगी नौकरी। एक काम कर, ये ले जा चॉपर राइज ऑर्डर कर। रोहित तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना। तेरा दिमाग खराब हो गया? कुछ भी बके जा रही है? तुझ में ऐसे कौन से लड़कियों जैसे लक्षण है जो मैं तुझसे शादी करूं? लड़कियों जैसे मतलब? मैं लड़की हूं रोहित। देख मैं अच्छे से जानता हूं कि तू क्या है, और तू भी जानती है तू क्या है, इसलिए फालतू के सपने देखना बंद कर दे। अरे सर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता सर, क्योंकि उस दिन के बाद से मैं उन दोनों में से किसी से नहीं मिला। रोहित से भी नहीं? नहीं सर, ना मिला ना बात हुई, ना उसने कभी मुझे कॉल किया। सर सच कहूँ तो मैं उसे मिलना चाहता भी नहीं, क्योंकि सर अगर उसे पता चला कि मैंने हाथ पर जोड़कर नौकरी वापस ले ली है तो सर वो मुझे जान से मार देगा सर। ठीक है तू जा सकता है, लेकिन सिर्फ यहाँ शहर से बाहर नहीं। जी सर। सर आपको क्या लगता है ये सच बोल रहा है? अगर सभी लोग इतनी आसानी से सच बोलने लगे तो अपना काम आसान नहीं हो जाएगा?
सर, रोहित का फोन पिछले 4 दिनों से स्विच ऑफ है। कॉल लोकेशंस के मुताबिक रोहित और सोनू पिछले 7 दिनों से मुलुंड में ही है। सर, दोनों भाइयों के बीच पिछले 7 दिनों में फोन पर कोई बात नहीं हुई। और श्री? सर, उसके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी आखिरी बात एक पंडित से हुई। पंडित? बुलाओ उसे। ये लड़का कुछ भी बकवास किए जा रहा है, और आप चुपचाप खड़े क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं इसे? साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि 15 जुलाई की शाम को 6:30 बजे स्नेह यादव का मर्डर हुआ, उससे पहले उसने आखिरी कॉल तुम्हें ही किया था। क्यों किया था फोन उसने? उसने मुझे फोन इसीलिए किया था क्योंकि उसे शादी करवानी थी। इस शहर में बाकी और भी पंडित हैं जो शादी ब्याह करवाते हैं, उसने तुम्हें ही क्यों फोन किया? और उसे नंबर कहाँ से मिला? अब साहब, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ कि वो शादी कराने के लिए आने वाली थी पर आई नहीं, और वो अपनी नहीं अपनी बहन प्रीति की शादी कराने वाली थी। तू है कौन ये बकवास करने वाला कि तू मेरा बेटा है? लेकिन मेरे गाय का पापा, अगर दोबारा ये बकवास की ना तो पुलिस में दे दूंगा। पापा, लेकिन मेरे जब सॉरी सर, मैं मानती हूँ कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन स्नेह के अंतिम संस्कार की वजह से। अच्छा, एक बात बताओ, तुम दोनों बहनों का रिश्ता कैसा था? उसमें बनती थी या? वैसे तो रिश्ता बहनों जैसा ही होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से मेरे बाप ने उसे पाला पोसा, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि वो मेरा भाई था या मेरी बहन। यहाँ तक कि हर साल मेरी माँ ने मुझसे स्नेह को राखी तक बंधाई। मतलब स्नेह भी एक भाई की तरह तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझती थी, शायद इसलिए वो पंडित से तुम्हारी शादी करवाने की बात कर रही थी। शादी? सर, मेरी शादी की कभी बात ही नहीं हुई, और वो ऐसा क्यों करेगी? प्रीति जी, ये तो आप हमें बताएंगी, क्योंकि आपकी फैमिली में जो चल रहा था वो नॉर्मल नहीं था। सर, मैं नहीं जानती कि वो क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। प्रीति जी, कॉल रिकॉर्ड्स हैं आपके हमारे पास, हर दूसरा कॉल आपने रोहित को किया। इसका मतलब साफ है कि दोनों बहनें एक ही लड़की को पसंद करती थी, और इसीलिए तुमने स्नेह का मर्डर किया। मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। तुम रोहित को कैसे जानती हो? देखो, सच बोलो, ये तो हमारे पास और भी तरीके हैं। सर, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने स्नेह को नहीं मारा है। रोहित और सोनू को मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि वो उसके साथ काम करते थे और वो उसके दोस्त हैं, और मैं रोहित को सिर्फ इसलिए कॉल कर रही थी क्योंकि घर से जाते हुए स्नेह ने कुछ ऐसी बात कही थी जो मुझे आज तक नहीं समझ आई। सारी जिंदगी मैंने इस झूठ को सच मानकर बिता दी, कितना कुछ सहा है इस झूठ के वजह से, पर बस अब नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा, जीऊंगी वो बनकर जो मैं हूं। सर, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा रोहित से कोई वास्ता नहीं है। स्नेह का फोन बंद आ रहा था इसलिए मैंने रोहित को कॉल किया, पर उसने कभी मेरा फोन उठाया ही नहीं, और उसके बाद उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। तुम जा सकती हो। अच्छी तरह जानता हूँ आप ही मेरे पापा हो, और आपको भी बात पता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते आप। वो तो है तेरा नाटक, अब जो भी बात होगी तेरी फैमिली के सामने होगी। मेरी बच्ची बसाई जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। नहीं पापा, हा? तेरे बाप से बात करूंगा, किसकी औलाद है। चल, नहीं, रुको रुको वो, रुको अभी क्या हुआ? अभी हो गया सारा नाटक, चल उसके सामने बात करूंगा तेरे से। चल चल। सर, ये देखिए, यही वो पार्सल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस पे केयर ऑफ स्नेह जाधव लिखा है, और पार्सल प्रीति जाधव के नाम से।
मुझे नहीं पता ये सब क्या है। मैं नहीं जानती कि ये पार्सल किसने भेजा है। देखो प्रीति, तुम फिर से झूठ बोल रही हो। सर मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती कि ये पार्सल किसने भेजा और क्यों भेजा है। रात भर हवालात में रखो, सुबह तक सब सच बोलेंगे। सर आप मेरी बात मानिए, मैं सच कह रही हूँ। गुप्ता, ज्वेलरी भेजने वाले का एड्रेस फेक है लेकिन ज्वेलर तो असली होगा ना। पता करो कि ये कहाँ से खरीदी गई है। इस केस में मिलता हर क्लू हमें डेड एंड पर लेकर आता है। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे क्या? मेरा बेटा मर गया, उसका खून हो गया है और मेरी बेटी उसके भाई के ही खून के इल्जाम में जेल में। कुछ सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? हाँ हाय पापा। अरे ट्रिप में बहुत मजा आया, थोड़ा थक गया हूँ पापा, तो अब फ्रेश होके मिलता हूँ। हाँ दद जी। आ गया था तू महाबलेश्वर? बताया तो था आपको पापा, दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप थी ना, तो इसलिए। क्या हुआ पापा? रूड बोल रहा है। नहीं, तेरे जाने के बाद तेरे दोस्त यहाँ घर पे तुझसे मिलने आए थे, उन्होंने बताया स्कूल की तरफ से कोई ट्रिप नहीं था। झूठ बोल रहा है? एक मिनट। नहीं नहीं तो पापा, पापा नहीं, पापा नहीं, पापा ने बात से झूठ बोलेगा। पता नहीं पापा कहाँ गया था, बता कहाँ गया था पापा, बता से झूठ बोलेगा। मुंह मत मारो, कहाँ गया था बता। छोड़ दीजिए साहब, बच्चा है, हट। बता दो पापा, मैं तेरी तो एक मिनट, ये लेटर आया था पापा। दिखा क्या लेटर आया था पापा, इसलिए गया था। झूठा, लेटर आया था। सॉरी पापा। तेरी एक तरफ जहां पुलिस नेहा जाधव की हत्या के मामले से उलझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के सामने एक दोहरी हत्या का मामला भी आता है। मैंने उसे समझाया सर, वो चला गया। वो चला गया या तूने उसका मुंह बंद कर दिया हमेशा के लिए? मैं क्यों मारूंगा उसे, जब वो मेरा बेटा था ही नहीं। मेरे जैसे ना 36 लोग आते हैं यहाँ पे, चेहरा देखकर बोल सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं या नहीं। तो प्लीज छोड़िए सर, मैं बताता हूँ सब कुछ। अच्छा सर, किडनैपर ने 50 लाख मांगे, मैंने दे दिए सर। उन्होंने कहा कि वो मेरा बेटा एक मंदिर के पास छोड़ जाएंगे, मैं वहाँ इंतज़ार करता रहा सर, लेकिन उन्होंने सर मेरा बेटा मुझे वापस नहीं दिया सर। तो मैं तुम्हारा बेटा वापस मिल जाता अगर तुम पुलिस के पास जाते तो? सर मैं बहुत घबरा गया था सर। इतना कि बच्चा और पैसा दोनों जाने के बावजूद तुमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई, दूसरी शादी कर ली और फिर एक दिन वो बच्चा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया और तुम डर गए, तुमने अपने हाथों से उसका खून कर दिया। सर नहीं मारा मैंने उसको सर, वो जब मेरे सामने आया तो मैं पहचान गया सर। सर इतने सालों में मैं मान चुका था कि वो वापस नहीं आएगा, यही मेरी किस्मत है। फिर कुछ सालों बाद उसकी माँ को हार्ट अटैक आया सर, वो भी गुजर गई। फिर मैंने सर दूसरी शादी की, मैंने मेरी दूसरी पत्नी को अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया सर, और अब मैं घबरा गया था कि अगर अब उसे पता चलेगा तो शायद मेरी गृहस्थी खराब ना हो जाए सर। और घर टूटने के डर से तूने सुधीर और अपने बेटे दोनों का मर्डर कर दिया। एक बात बता, ये सुधीर वही है ना जिसने तेरे बेटे को किडनैप किया था? सर सर मैं बताता हूँ सर, सर मैं उसका पीछा करते करते मुंबई आया जरूर था सर, लेकिन जैसे ही मैं उसके घर के पास पहुँचा सर, तो मैंने एक आदमी को खून से सने हुए उसके घर से निकलते हुए देखा सर। कौन था वो आदमी? वो तो मुझे नहीं मालूम सर। रात भर बिठा के रखो, शायद सुबह तक उसकी शक्ल भी याद आ जाए। सर 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 सुनिए मेरी बात सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। सुधीर चौहान और अंगद चौहान की हत्या में श्याम सिंह पुलिस के लिए अहम सस्पेक्ट था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके लिए अनसुलझी पहेली बना स्नेह यादव मर्डर केस इससे किसी भी तरह से जुड़ा हो सकता है और एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ा जा सकता है। मुझे सुधीर चौहान अंगद चौहान के अतीत के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, शाम के भी पास्ट और प्रेजेंट सब कुछ चेक कर। यस सर। सर प्रीति के नाम आए पार्सल में जो ज्वेलरी थी वो माटुंगा के श्याम ज्वेलर के यहाँ से खरीदी गई, उसने गहने पहचान लिए और गहने खरीदने वाला और कोई नहीं बल्कि रोहित ही है।
आखिर ये रोहित है कहाँ? ना रोहित हमें मिल रहा है, ना रोहित और प्रीति के बीच का कोई कनेक्शन, और वो अभी यही कह रही है कि उसके और रोहित के बीच में कुछ भी नहीं। फिर ये रोहित ने ज्वेलरी खरीदी किसके लिए और फिर वो गायब क्यों हो गया? या गुप्ता, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तीसरा है जो हमें जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? अपने खबरियों को काम पर लगाओ, जो किसी भी हाल में रोहित चाहिए। दादर जेल में पिछले 3 साल से सजा काट रहा है ऐसे इलीगल ऑपरेशन के चार्जेस में। जब हमने उससे बात की तो पता चला कि इसने का असली बाप विष्णु यादव नहीं तो कौन? सुधीर चव्हाण। क्या? हाँ सर, और हमने सुधीर चव्हाण का कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। ये देखिए उसके कॉल रिकॉर्ड्स, जब हमने चेक किए तो क्या मिला? नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल, मैं सोनू, रोहित का भाई। मैं रोहित और इसने एक ही कंपनी में काम करते थे। इसने मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो मैं बस पूछने आया था कि पुलिस ने आप लोगों को कुछ बताया किसने मारा स्नेह को? नहीं। मेरी फैमिली रोहित को लेकर बहुत परेशान है, पता नहीं कहाँ चला गया है, कहाँ गायब है। तू यहाँ क्या कर रहा है? सर मैं बस हालचाल पूछने आया था। मैं निकल ही रहा हूँ सर। आखिरकार हमने पता लगा ही दिया कि 15 साल पहले एक 8 साल की बच्ची के साथ गैर कानूनी ऑपरेशन किसने किया था और क्यों करवाया था, जिससे हमें यह भी पता लगा कि आपका एक नहीं 3-3 मर्डर के साथ वास्ता हो सकता है। स्नेह को अपने पिता के बारे में क्या पता था और आपका और सुधीर चव्हाण का क्या वास्ता था, यह आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि स्नेह के मर्डर के साथ सुधीर के मर्डर का भी कनेक्शन हो। सुधीर जबरदस्ती उसका ऑपरेशन करवा दिया मुझे बिना बताए, ताकि वो कभी मां ना बन सके। मां तो क्या वो किसी के साथ? आराम से। बोला था कि अगली औलाद बेटा होगा, पर प्रीति पैदा हुई उसी दिन मुझे और मेरी बच्चियों को छोड़कर भाग गया। फिर क्या, लोगों के घर पे बर्तन मांजे, झाड़ू कटका किया और बच्चों को पाला। इनके यहां भी मैं झाड़ू कटका करने आती थी, पर जब इन्होंने शादी के लिए पूछा तो मैंने तुरंत हाँ कर दी बच्चों के लिए। मैंने जब स्नेह की शादी की बात की तब आपने ये क्यों कहा कि अनर्थ हो जाएगा? काम ऐसा मत कहिए, अनर्थ हो जाएगा। क्या मतलब था अनर्थ का? वो सदमे में निकल गया, ऐसा कोई सोच कर थोड़ी बोलता है। और देखिए, मैंने सुधीर के बारे में ये घर में किसी को कुछ नहीं बताया था, और स्नेह को भी यही बताया था कि तू ऐसे ही पैदा हुई थी। आपको यकीन है कि स्नेह को सुधीर के बारे में कुछ भी नहीं पता था? वो उसे कभी नहीं मिली थी? कि आप तो अब तक सुधीर के कांटेक्ट में थी, सबूत है हमारे पास। सर, सुधीर चव्हाण की इंफॉर्मेशन निकालते वक्त उसके रिकॉर्ड्स हमारे पुलिस रिकॉर्ड्स से मैच हो गए। वो एक हिस्ट्री शीटर है, अपनी जवानी के दिनों में छोटे मोटे क्राइम्स कर एक बार नहीं कई बार जेल जा चुका है, और इन क्राइम्स में उसका एक पार्टनर भी था जो अब तक हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। अरे सर आप पूछिए, मुझे ये यहाँ क्यों ना कराया है? मैंने तो आपकी इतनी मदद की थी। पूरी मदद नहीं की थी, पूरा सच नहीं बोला था। जैसे कि स्नेह के बाप के साथ तूने ऐसा किया क्यों? कैसे मारा उसे? क्यों मारा उन दोनों को? तूने स्नेह को पहले इसलिए मार दिया ना ताकि तेरे प्लान के बारे में किसी को पता ना चले। मैंने स्नेह को नहीं मारा है सर। अगली बार जरा सा भी झूठ बोला या कुछ भी छुपाया ना, मां कसम तुझे तोड़ के रख देंगे। गवाह है हमारे पास जिसने तुझे उस दिन भागते हुए देखा था। ये सुधीर के घर से मिले तेरे जूतों के निशान से ये साबित होता है कि दोनों मर्डर तूने ही किए। अब बता क्यों और कैसे? चव्हाण साला धोखेबाज निकला, बोला था जेल से बाहर आऊंगा तो मिलेगा मुझे। साले ने शक्ल भी नहीं दिखाई। जब मैं जेल से बाहर आया तो तब वो गायब हो चुका था। फिर मैंने ईमानदारी का रास्ता चुना और डिलीवरी बॉय की नौकरी शुरू कर दी, और अपनी मेहनत से मैं मैनेजर बना। पर चव्हाण को कभी भूल नहीं पाया मैं। फिर एक दिन स्नेह मेरे पास नौकरी के लिए आई,
समझ गया था कि ये चौहान की बेटी है जिसका बचपन में उसने ऑपरेशन करवाया था और उस वक्त मैं भी उसके साथ था। बेटा रो मत। हाँ नहीं। हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, अभी अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। स्नेह नाम है तुम्हारा? यस सर। स्नेहा होना चाहिए था ना, तुम तो लड़की दिखती हो। सर वो मेरा पर्सनल मैटर है, आप प्लीज मुझसे अपने काम के सवाल पूछिए, मैं बहुत ही मन लगा के काम करूंगा और आपको मुझसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने स्नेह को नौकरी पर रख लिया और पता लगा कि वो चौहान की बेटी है या नहीं। मैं अपने एम्प्लॉय के डेटाबेस से उसकी माँ उमा का नंबर निकाला और उसे कॉल किया। मैं कौन बोल रहा हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, बस ये बताओ कि वो आजकल कहाँ है। मेरे हिसाब से तो जन्नुम में है। अरे भाड़ में जाए। देखो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ उसका एक फोन नंबर है, चाहिए तो लिख लो, 444-7279। चौहान का नंबर तो मुझे मिल चुका था पर मैं महीनों तक ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं उसके साथ आखिर करना क्या चाहता हूँ। एक बार तो लगा कि मैं इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाऊँ, अपने काम से काम रखो, पर नहीं कर पाया। और फिर कुछ एक महीने पहले स्नेहा से बात की और उसे सब बता दिया। बेटा बात यह है कि तुम लड़की पैदा हुई थी ना कि लड़का। हमारे माता पिता चाहते थे कि उन्हें लड़का हो, लेकिन हुई लड़की, इसलिए उन्होंने अस्पताल ले जाकर के तुम्हारा ऑपरेशन करवाया और लड़की से लड़का बना दिया। मैं खुद तुम्हारे पापा के साथ उस वक्त था। माँ ने कहा कि मैं ऐसे ही पैदा हुआ था, ना लड़की थी ना लड़का। माँ ने कहा अगर तू लड़का बन के रहेगा तो कम से कम लोग तेरी इज्जत तो करेंगे, पर ये सब झूठ था। इतना गलत किया उन्होंने मेरे साथ। बेटा अगर तू इस धोखे का बदला लेना चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, पर एक शर्त पे, कि तू अपनी माँ को कुछ नहीं बताएगी। सर आपका पार्सल। अरे अंगद। जी बाबा। तुम्हारा पार्सल आया भाई। आया। साइन दो। ले लो, साइन कर लो, ले लो। अंगद ये तुम्हारा असली बाप नहीं है, तुम्हारा असली बाप सूरत में, उसका नाम श्याम सिंह है, नीचे उसका एड्रेस है सूरत का। अगर तुम्हें कोई शक है या कुछ पूछना हो तो मुझे इस नंबर पे फोन करो, 4488221212। चौहान बहुत चालाक आदमी था, मैं जानता था बहुत जल्दी उसे सब पता चल जाएगा और वो मुझ तक पहुंच जाएगा, तो मैं भी यही चाहता था। फिर उस रात जब उसने मुझे फोन किया तो मैं पूरी तैयारी के साथ उसके यहां पर पहुंचा। आजा कुछ बात करनी है तुझसे। ने चौहान को उसके किए की सजा दे दी। अंगद और स्नेह को किस बात की सजा दी? चल बता। दो दो मर्डर कबूल कर लिए मैंने, तीसरे के लिए झूठ क्यों बोलूंगा? कौन सी सजा कम हो जाएगी मेरी? सर ये कॉल रिकॉर्ड देखिए। सामने रहकर भी पुलिस को क्या घुमाया इसने, दाद देनी पड़ेगी। इसको उठा के लेके आओ। राइट। उसकी वजह से मैंने मेरा पहला पति खो दिया, लोगों की गालियां सुनी, क्या क्या नहीं सहा। अब इस बुढ़ापे में मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मेरा दूसरा पति भी खो दूं और डर डर की ठोकरी खाऊं। मतलब ये कि जिस दिन वो निकली ना तब मैंने सब कुछ सुना था, प्रीति को क्या ज्ञान दे रही थी वो। सारी जिंदगी मैंने इस झूठ को सच मानकर बिता दी, कितना कुछ सहा है इस झूठ के वजह से।
पर बस अब नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा, जीऊंगी वो बनकर जो मैं हूं। ये सब क्या बोल रहे हो? तुझे पता है वो आदमी जिसे मैं अपना बाप समझती थी, वो मुझे पैरों के मालिश के नाम पे क्या करवाता था? बताऊं मैं तुझे? मुझे बताने में भी घिन आ रही है। पता है, सब पता है। आजा, थोड़ी मालिश ही कर दे। वैसे भी तू किसी और काम का तो है नहीं। तो अब तुम क्या करोगी? अब मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीऊंगी। तुझे रोहित पता है ना, मैंने तुझे मिलाया था उससे एक बार। मैं और रोहित एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि हम अलग होने वाले थे क्योंकि रोहित की फैमिली मुझे ऐसे कभी एक्सेप्ट नहीं करती, पर अब रोहित भी प्यार करने लगा है मुझसे और वो मेरे लिए डॉक्टर ढूंढ रहा है जो मेरा इलाज कर सके, ताकि मैं आगे जाके माँ बन सकूँ। और वो मुझे डॉक्टर ही नहीं, पुलिस स्टेशन भी लेके जाने वाला है, ताकि वो आदमी जिसे आज तक मैं अपना बाप समझती थी, उसे अपने किए की सज़ा मिले। सिर्फ इसे ही नहीं, उसे भी जिसने मेरी ये हालत की है, जो बाप ज़बरदस्ती अपनी बेटी को बेटा बनाना चाहता था। पर अभी तुम कहाँ जा रही हो? मैं अभी नवी मुंबई जा रही हूँ। रोहित के किसी जान पहचान वाले का फ्लैट खाली है वहाँ पर। जब तक हमारे हालात नहीं सुधरेंगे, हम दोनों वहीं रहेंगे। ये देख, ये रोहित लाया है मेरे लिए, और उसने मेरे लिए कुछ और सरप्राइज भी रखा है। पर वो पार्सल हमने तेरे नाम पे मंगाया है। मैंने अपने कंपनी के कुरियर वाले लड़के को बोल दिया है कि अगर तेरे नाम पे कोई पार्सल आए तो तुझे ही डिलीवर करे। फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने रोहित को काफ़ी बार कॉल किया, लेकिन अचानक से वो भी गायब हो गया था। मुझे लगा कि ज़रूर मेरी माँ ने कुछ किया होगा, लेकिन मैं अपनी माँ के खिलाफ आपको कैसे बताती? मैंने माँ से पूछा भी था, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने देखा कि हमारे घर के पीछे वो जो जगह है जहाँ पर टूटा फूटा सामान पड़ा होता है, जहाँ कोई नहीं आता जाता, माँ अक्सर वहाँ जाया करती थी। मुझे शक हुआ तो मैं वहाँ देखने गई। तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ हाँ, पैसे मिलेंगे। देखो मैं उसका नंबर देती हूँ, वो नवी मुंबई में है। काम ठीक से होना चाहिए, खबर यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए, समझे? क्यों मिलना चाहते थे मुझसे, और क्या जानते हो विष्णु जाधव के बारे में? बताता हूँ। मैडम मैडम, वहां पर एक आदमी की लाश पड़ी है। स्नेहा जैसी किसी इंसान की कहानी सामने आती है तो तरक्की और आधुनिकता के मुंह पर कालिक पुत जाती है। उमा जाधव के पहले पति सुधीर चौहान का पुत्र के लिए मोह पहली दस्तक थी, और दूसरी तब जब उसने स्नेहा को लड़का बनाने की कोशिश की। उमा ने यह दस्तक अनसुनी की थी, और स्नेहा को अपनी जान देकर इस लापरवाही और उमा के स्वार्थी होने की कीमत चुकानी पड़ी। स्नेहा की इस कहानी से हर माँ बाप को सबक लेना चाहिए कि बच्चों को गुलाम, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले रोबोट और तानाशाही चलाने की जागीर ना समझे। साथ ही स्नेहा की यह दर्दनाक कहानी हमें यह सीख भी देती है कि चाहे वो कोई भी हो, गैर वाजिब मांगे पूरी नहीं की जा सकती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।